नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखिए, ये सर्कल है और ओ क्या है, इसका सेंटर है। कह रहा है कि बी डी इज इक्वल टू ओ सी। तो बच्चों, ये बी डी का लेंथ, देखिए मैंने निशान लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू ओ डी, ऐसा आपको गिवन है, चेक कर लीजिए। बी डी इज इक्वल टू ओ डी गिवन है। कह रहा है कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो सी डी है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो ये देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सी डी और ए बी एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो दिस वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज पॉइंट पी, लेट अस से। ओके, कह रहा फाइंड एंगल सी ए बी। सो एंगल सी ए बी आपको यहां पर फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए, इसका अप्रोच कैसे, मैं आपको एक यहां पे फिगर बना के दिखाता हूं। इसको देखो, यहां कहीं सी है, ठीक, और यहां कहीं आपके पास बी है। तो ये जो कॉर्ड है, ये जो आर्क है आपकी सी बी, इसको ध्यान से चेक करिए। अगर हम यहां पे C को B से ज्वाइन करें तो क्वाड मिलेगी, टू सेगमेंट्स मिलेंगे, एक ये ऊपर वाला सेगमेंट है और एक नीचे वाला सेगमेंट है, करेक्ट। तो हम यहां कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर ये जो क्वाड CD, सॉरी ये जो क्वाड CB है, इसके सेम सेगमेंट, ये नीचे वाले सेगमेंट में अगर आपके पास टू एंगल्स कोई भी बन रहे हो तो आपस में इक्वल होंगे। तो चेक करिए, यहां कहीं पॉइंट A, ठीक, और यहां कहीं पॉइंट D, ठीक है बच्चों। ये देखिए, पहले आप फील कर लो करना क्या है। अगर मैं सी को डी से ज्वाइन करूं और बी को डी से ज्वाइन करूं तो ये वाला जो एंगल होगा, और इसी तरीके से सी को अगर मैं ए से ज्वाइन करूं और बी को अगर मैं ए से ज्वाइन करूं तो ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, करेक्ट। यहां से देख सकते हो आप, सी को ए से ज्वाइन किया, बी को ए से ज्वाइन किया, सो दिस वाला एंगल, यानी कि एंगल, यानी कि ध्यान रखिएगा, एंगल सी ए बी, दिस सी ए बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल्स टू, ध्यान दो, सी से मैंने डी को ज्वाइन किया, बी से मैंने डी को ज्वाइन किया, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, करेक्ट। यानी कि एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। और रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, करेक्ट। तो बच्चों, आपको इन्होंने पूछा एंगल सी ए बी बताओ, तो ये एंगल सी ए बी आपको तब पता चलेगा जब सी डी बी पता चल जाए, यानी कि एंगल सी डी बी पता चल जाए। तो किसी तरीके से आप ये वाला एंगल फाइंड करो, ये आपका टारगेट हो गया। तब आपका टारगेट क्या है, अब आपका टारगेट है एंगल सी डी, एंगल सी डी बी को फाइंड करना। इसको अगर आप फाइंड करने में कामयाब हो गए तो सी ए बी भी आ जाएगा, क्योंकि सी ए बी सी डी बी के इक्वल है, करेक्ट। ओके, ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे इसको करेंगे। देखो बात समझो, देखिए बच्चों, ये पॉइंट पी है, करेक्ट, दिस वाला पॉइंट इज पॉइंट पी। एंड यहां पे अगर आप लोग ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो इन्होंने हमें क्या बोला है, इन्होंने हमें बोला है ओ डी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी, ऐसा इन्होंने हमें बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ये देखिए ओ डी इज इक्वल्स टू बी डी, ये आपको गिवन है। उसके बाद आप देखो बच्चों, ये ओ डी क्या है, रेडियस है, ठीक, और ओ बी भी क्या है, रेडियस है, ये सुनो। तो हम बोल सकते हैं क्या कि OD इज इक्वल्स टू OB, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, करेक्ट। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, O से B तक ये भी रेडियस है, O से D तक ये भी रेडियस है, तो OB किसके इक्वल है, OD के, लेकिन OD किसके इक्वल था, BD के, यानी कि OB, OD, BD सब के सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स से, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप चेक कर सकते हो, OD OB के इक्वल है और OD BD के भी इक्वल है, इसका मतलब OD BD और OB सब के सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप बोल सकते हो कि दिस OD इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू BD, ओके। तो ये देखिए, इस तरीके से OD OB BD आपस में इक्वल हो गए, OD BD OB आपस में इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तीनों तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये सुनो, ट्रायंगल ओ बी डी को मैं अलग से आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये देखिए ओ, यहां क्या है बी है, और यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है डी है, ठीक है ना, ओ बी ओ डी और बी डी सारे के सारे आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये पूरा हो गया 60, ये पूरा हो गया बच्चों 60, और ये पूरा 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 60 डिग्री हो गया। बात समझो, समझो यहां से देखो, ये हो गया 60, ठीक, ये भी कितना हो गया 60, और ध्यान देंगे प्लीज, ये पूरा एंगल, इतना नहीं, इतना नहीं, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, ठीक, ये पूरा का पूरा हो गया कितना, 60 डिग्री। ओके,
करेक्ट। सो हम लिख सकते हैं कि ये तीनों इक्वल है, इसलिए इन ट्राइंगल ओ बी डी वी कैन से दैट कि हमें मेन ये वाले एंगल का काम है, ये वाले का, तो इसका मैं नाम लिखता हूं एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। करेक्ट। तो इस रिजल्ट को आप इक्वेशन नंबर 1 यहां पे बना लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक काम करिए, ध्यान से चेक करिए। अब आप एक काम करिए बच्चों, क्या देखो, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे सभी। ओके देखिए, अगर ये 90 है यहां से, करेक्ट, तो लीनियर पेयर से ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ठीक, और ये 90 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 हो जाएगा, या फिर लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, करेक्ट। ये देखिए इस तरीके से, तो आपके पास अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक तो ट्राइंगल है पी ओ डी, ये वाला देखिए इस तरीके से, यहां पर देखो, यहां पी है, ये 90, ये ओ है, ठीक, और ओ पे 60 है, इसी तरीके से यहां बी है, ठीक, और B को D से ज्वाइन कर दो, ये D है, सो ये भी क्या है 60 है, और ये कितना है 90 है, और ध्यान दें ये देखिए ये OD और BD आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। तो देखो यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल, ये देखो ये 90 इधर से, ये 90, ये 60, ये 60, ठीक, और ये OD इज इक्वल टू क्या है BD है, सो एंगल साइड, और इधर से भी एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, या फिर आप RHS भी लगा सकते हो, कैसे RHS भी लगा सकते हो, कैसे, ये एंगल 90 इधर से, ये एंगल 90, और दोनों का हाइपो आपस में इक्वल है, 90 का अपोजिट वाला, यानी कि OD इज इक्वल टू व्हाट BD, ये आपस में कर लो, कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ध्यान से चेक करिए PD इज इक्वल टू PD, दोनों में कॉमन है, RHS लगा लो, कुछ भी लगा दो, एंगल साइड लगा लो, देखो एंगल साइड, या आप RHS लगा लो, आपका आपकी जो मर्जी आप वो लगा लो, चलो मैं RHS लगा देता हूं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इन, यहां पे करते हैं इन ट्राइंगल POD एंड ट्राइंगल PBD, ध्यान से चेक करिए बच्चों, दिस एंगल OPD इज इक्वल्स टू एंगल BPD ईच 90, ओके, दोनों के दोनों क्या है 90 ईच 90, करेक्ट। उसके बाद तो RHS में हमें क्या चेक करना होता है, दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी कि वन एंगल 90 होना चाहिए, और फिर हाइपो इक्वल होना चाहिए, तो चेक करिए 90 का अपोजिट क्या है यहां पे OD, और यहां 90 का अपोजिट क्या है BD, सो OD इज इक्वल्स टू BD, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, OD इज इक्वल्स टू BD, उसके बाद कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, सो PD इज इक्वल्स टू PD कॉमन है, सो यहां पे करते हैं PD इज इक्वल्स टू व्हाट PD, जो कि कॉमन है, सो बाय RHS क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइंगल है POD, सो ट्राइंगल POD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट ट्राइंगल PBD, ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT लग जाएगा, और CPCT से ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल PDO यहां पे करता हूं बाय CPCT, एंगल PDO इज इक्वल टू व्हाट एंगल PDB, ये सुनो, तो इसको कोई इक्वेशन आप बना लो, ठीक है ना, लेट अस से इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये हो गया, ओके, नोट करिए बच्चों, मैं इसको हटा दूंगा, थोड़ी मुझे यहाँ जगह चाहिए, नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल ODB कितना था, ये एंगल ODB कितना था, ये 60 था, ठीक है, ODB कितना था 60, अब आप ODB की जगह आप क्या लिख सकते हो, चेक करो, ये ODB कौन से दो एंगल से मिलके बना है, देखो ODB की जगह आप क्या लिखोगे, ODP या PDO और प्लस PDB, है ना, एंगल PDO और प्लस एंगल PDP, PDO प्लस PDB, इन दोनों के सम से ही तो ये एंगल बना है ना, सो ODB की जगह PDO प्लस PDB, तो ODB की जगह एंगल PDO और प्लस एंगल PDB इज इक्वल्स टू व्हाट 60, नाउ
अभी अभी हमने आपको बताया था पीडीओ किसके इक्वल है, पीडीबी के। सो आप क्या कर सकते हो, पीडीओ की जगह क्या रख सकते हो, पीडीबी। ओके, सो पीडीओ की जगह हमने क्या रखा, ये पीडीओ की जगह, इसकी जगह हमने क्या रखा, पीडीबी रख दिया। प्लस इस पीडीबी को हमने ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल्स टू 60। सो यहां से एंगल पीडीबी प्लस पीडीबी, टू टाइम्स एंगल पीडीबी, टू टाइम्स एंगल पीडीबी इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 डिग्री। तो ये टू जाके उधर डिवाइड कर देगा, तो एंगल पीडीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 बाय 2 यानी कि 30 डिग्री। ये लो, तो यहां से आ गया एंगल पीडीबी। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, जितना एंगल पीडीबी है, ये देखिए जितना एंगल पीडीबी है उतना ही तो एंगल सीडीबी है। ये सुनो भाई, ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। ओके, 60 का हाफ, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से, पीडीओ और पीडीबी, करेक्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, ये 60 था तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये 60, सॉरी ये हो गया कितना 30, यानी कि पीडीबी कितना है 30 है। सो एंगल सीडीबी भी कितना है 30 है। ओके, सो दिस इंप्लाइज कि एंगल सीडीबी कितना है, 30 डिग्री है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सीडीबी, ये देखिए ये सीडीबी किसके इक्वल था, सीएबी के, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, तो अब हम यहां से करेंगे, हम लिखेंगे बट एंगल सी ए बी इज इक्वल टू सी डी बी, वाई, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सो दिस इम्प्लाइज एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू, और सी डी बी कितना है, सी डी बी कितना है 30 डिग्री। ओके, ये लीजिए, सो एंगल सी ए बी का वैल्यू कितना आ गया, सी ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन